मैं डॉक्टर रेखा भदौरिया, असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज झालावाड़। बच्चों, आज हम आपके साथ बीए सेकंड ईयर का फर्स्ट पेपर, जिसका नाम है सामाजिक विचार। सामाजिक विचारकों में से भी हम कार्ल मार्क्स को आज पढ़ेंगे, देखेंगे कि उन्होंने हमारे समाजशास्त्र में अपने वर्ग और वर्ग संघर्ष को किस तरह प्रस्तुत किया है, उनके बारे में, उनके विचारों से वर्ग क्या है और वर्ग संघर्ष क्या है। पर उनके विचारों को जानने से पहले हमें कम से कम इतना समझ लेना चाहिए कि वर्ग है क्या, वर्ग हम किसे कहते हैं, वर्ग अंग्रेजी शब्द के क्लासिक शब्द का हिंदी रूपांतरण है, जो लैटिन भाषा के क्लासिस शब्द से बना है, जिसका अर्थ है व्यक्तियों की श्रेणी। मतलब व्यक्तियों की हमारे समाज में अलग अलग श्रेणियों में रखा जाता है, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे वो आर्थिक क्षेत्र में हो, चाहे सामाजिक स्तर के क्षेत्र में हो। तो रोमन साम्राज्य में सन 578 से 534 ईस्वी पूर्व क्लासिक शब्द का प्रयोग समाज के विभिन्न वर्गों के लिए किया जाता था। इसके बाद वर्ग शब्द का प्रयोग मानव समाज में व्यक्तियों की विभिन्न श्रेणियों के लिए किया जाता रहा है। जैसे विभिन्न विद्वानों ने समाज में वर्ग विभाजन के भिन्न भिन्न अलग अलग कई तरह के आधारों का उल्लेख किया है, जिसके आधार पर हम विभिन्न व्यक्तियों को अलग अलग वर्गों में विभाजित कर सकते हैं। उनमें से है शिक्षा, बौद्धिक स्तर, सामाजिक स्थिति, हमारी आय, हमारी संपत्ति आदि प्रमुख है। समाजशास्त्रियों ने वर्ग की परिभाषा में सामाजिक और सांस्कृतिक विशेषताओं का उल्लेख किया है। वहीं मार्क्स ने और एंजल्स ने और लेनिन ने आर्थिक आधारों पर वर्गों की व्याख्या की है कि जन्म के अलावा किसी भी अन्य आधार पर समाज में समूहों का निर्माण ही वर्ग कहलाता है। इस पे हम कुछ समाजशास्त्रियों की परिभाषाएं देखेंगे, जिससे हमें पता चलेगा कि उनके विचार किस तरह के हैं। पहली परिभाषा दी है मैकाइवर एवं पेज ने, जिन्होंने कहा है कि एक सामाजिक वर्ग समुदाय का वह भाग है जो सामाजिक स्थिति के आधार पर दूसरे से पृथक किया जा सके। मतलब हमारे समाज में एक बड़ा समुदाय है और उस समुदाय में छोटे छोटे कई वर्ग हैं, जिनकी हर तरह से स्थिति कैसी है अलग अलग है, चाहे वो आर्थिक स्थिति हो, चाहे वो सामाजिक स्थिति हो। इसी आधार पर दूसरी परिभाषा दी है आगवर और निमकॉफ ने, एक व्यक्ति एक वर्ग ऐसे व्यक्तियों का योग है जिनकी एक दिए हुए समाज में अनिवार्य रूप से समान सामाजिक स्थिति होती है। अब ये जो वर्ग की स्थिति उत्पन्न होती है या वर्गों में विभाजित होते हैं, एक समुदाय कई वर्गों में विभाजित होता है, वो किन आधारों पर विभाजित होता है? वो हमारी वर्ग की बहुत सारी विशेषताएं हैं और उन विशेषताओं के आधार पर हम देखते हैं कि वर्गों का विभाजन होता है। सबसे फर्स्ट नंबर पे है हमारा समूहों का उतार और चढ़ाव। जैसे समाज में वर्गों की एक श्रेणी होती है जिसमें
तीन तरह के वर्ग आते हैं। सबसे पहले उच्च वर्ग, मध्यम वर्ग और निम्न वर्ग। इन तीनों का समाज में स्थान अलग अलग होता है। उच्च वर्ग के लोगों की सामाजिक प्रतिष्ठा एवं स्थिति अन्य मध्यम वर्ग और निम्न वर्गों की अपेक्षा ऊंची होती है। उन पर शक्ति अधिक होती है, उन पर साधन अधिक होते हैं, वो अधिक आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं और उनकी सामाजिक प्रतिष्ठा भी ऊंची होती है। उसके बाद मध्यम वर्ग। मध्यम वर्ग में सामाजिक शक्ति, आर्थिक शक्ति, उनके पास प्रतिष्ठा उच्च वर्ग की अपेक्षा थोड़ी कम होती है और वो थोड़ी कम आय में अपना जीवन यापन करते हैं। उनकी सामाजिक प्रतिष्ठा भी उनके अपेक्षा निम्न होती है। सबसे नीचे आता है हमारा निम्न वर्ग, जिसके पास ना तो शक्ति है, ना ही आय के पर्याप्त साधन है और ना ही कुछ वो सुख सुविधाओं के अभाव में अपना जीवन यापन करते हैं। जैसे हम देखते हैं कि हमारी वर्ग संरचना एक पिरामिड की भांति होती है, मतलब जो नीचे का धरातल होता है, जो निम्न वर्ग है वो सबसे बड़ा वर्ग है, थोड़ा ऊपर चले तो मध्यम वर्ग है, वो उससे थोड़ा कम है और जो उच्च वर्ग है उसमें सदस्यों की संख्या बहुत कम होती है। दूसरा है हमारा सामान्य परिस्थिति। समान स्थिति का मतलब है जो एक वर्ग के लोग होते हैं उनकी स्थिति समान होती है, चाहे वो उच्च वर्ग हो, चाहे वो निम्न वर्ग हो और चाहे वो मध्यम वर्ग हो। एक वर्ग के लोगों की सामाजिक परिस्थिति एक समान ही होती है। परिस्थिति निर्धारण में कई आधार होते हैं, चाहे वो संपत्ति का आधार है, तो निम्न वर्ग जो है उसमें संपत्ति का बहुत अभाव है तो सारे वर्ग उसी तरह से संपत्ति के अभाव में जीवन यापन करता है, उनकी सामाजिक परिस्थिति भी कम होती है। और दूसरा जो उच्च वर्ग है उसमें जितने भी सदस्य होते हैं सबकी स्थिति समान होती है और जो मध्यम वर्ग है उसमें जितने भी लोग हैं उनकी सामाजिक स्थिति समान होती है, लेकिन दूसरे लोगों से उनकी स्थिति ऊंची और निम्न होती है। इससे उन्हें व्यवसाय, जाति की सदस्यता, व्यवसाय आदि को महत्वपूर्ण होते हैं। शिक्षा की स्तर ऊंचा होता है, सामाजिक स्थिति ऊंची होती है और निम्न लोगों की सामाजिक स्थिति भी निम्न होती है और उनका शैक्षिक स्तर भी निम्न होता है। तीसरा है हमारा उच्चता और निम्नता की भावना। एक वर्ग के लोग दूसरे वर्ग के सदस्यों से कुछ हीनता की भावना रखते हैं, वो उनसे सामाजिक संबंध स्थापित नहीं करते, क्योंकि जो उच्च है उनका आधार ऊंचा है, वो निम्न वर्गों की हीनता की दृष्टि से देखते हैं, उनके साथ उनका किसी तरह का कोई सामाजिक व्यवहार नहीं होता और जो निम्न वर्ग है वो उच्च वर्ग को हीनता की दृष्टि से देखते हैं, वो समझते हैं कि हम इनके बराबर नहीं है, हमारी सामाजिक स्थिति इनके समान नहीं है, हमारी आर्थिक स्थिति समान नहीं है, इसलिए हम इनके साथ कोई सामाजिक संबंध स्थापित नहीं कर सकते। नेक्स्ट है आपका वर्ग चेतना। वर्ग चेतना का मतलब है प्रत्येक वर्ग के लोग, चाहे वो निम्न वर्ग है, चाहे वो उच्च वर्ग है, चाहे वो सामान्य वर्ग है, प्रत्येक वर्ग के लोग अपने वर्ग में चैतन्य रूप से निवास करते हैं। वर्ग की सामाजिक प्रतिष्ठा दूसरे से भिन्न होती है, उनमें उच्चता और निम्नता की भावना पाई जाती है। एक वर्ग के लोगों की जीवन शैली, खान पान, सुख सुविधाएं, समान होने एवं बचपन से ही उनके सदस्यों में उसी तरह का समाजीकरण किया जाता है। अगर उच्च वर्ग का लोग हैं तो उनकी जीवन शैली अलग होगी,
उनके खान पान अलग होगा, सुख सुविधाएं उनके पास अधिक होंगी और जीवन यापन करने के तरीका उनका अलग होगा। वो शिक्षा पर विशेष ध्यान देंगे। अगर उसी में सामान्य वर्ग है तो सामान्य वर्ग के लोग अपने समूह के सदस्यों में एक वर्ग चेतना के साथ जीवन यापन करेंगे। उनकी जीवन शैली उच्च वर्ग के सदस्यों से थोड़ी भिन्न होगी और जो निम्न वर्ग है उनकी जीवन शैली सबसे अलग होगी। उनके पास हर चीज का अभाव होगा, सामाजिक स्तर बहुत निम्न होगा, आर्थिक स्तर बहुत निम्न होगा, उसके साथ ही उनके पास फिर शैक्षिक स्तर भी उनका निम्न होगा। नेक्स्ट है आपका सीमित सामाजिक संबंध। एक वर्ग के लोगों में जो सामाजिक संबंध है वो पर्याय अपने ही वर्ग के लोगों से स्थापित होते हैं। उनका जीवन साथी, उनके संगी साथी आदि का चुनाव वो अपने ही समान आर्थिक और सामाजिक और सांस्कृतिक समानता के कारण उसी वर्ग के लोगों से उनके संबंध स्थापित होते हैं। उच्च वर्ग के साथ उनके सामाजिक संबंध स्थापित नहीं हो सकते। नेक्स्ट है आपका मुक्त द्वार। हमारे जाति और वर्ग दो चीजें हमारे समाज में पाई जाती हैं। जो जाति है वो हमें जन्म के साथ प्राप्त हो जाती है, लेकिन जो वर्ग है वो हमें अपने अर्जित गुणों के आधार पर प्राप्त होता है। जाति एक वंद वर्ग समझी जाती है कि जिस जाति में हमने एक बार जन्म ले लिया वो हमारी जाति कभी परिवर्तित नहीं होती, लेकिन वर्ग का जो द्वार है वो मुक्त है, खुला हुआ है। हम अपने अर्जित गुणों के आधार पर एक वर्ग से दूसरे वर्ग में जा सकते हैं। जैसे हम अशिक्षित हैं, जब जन्म लेते हैं तब वो शिक्षित नहीं होता, लेकिन हम उच्च शिक्षा प्राप्त करके हम एक शिक्षित वर्ग में जा सकते हैं और उसके आधार पर ही हम एक प्रतिष्ठित पद प्राप्त करते हैं और हमारे समाज में प्रतिष्ठा ऊंची हो जाती है और हम उच्च वर्ग में शामिल हो जाते हैं। उसी तरह से जो कभी उच्च वर्ग में हुआ करता है, है ना, उसका व्यापार करता है, ऊंचा व्यापार करता है, एक आर्थिक स्थिति बहुत उच्च होती है, लेकिन कभी उसका व्यापार फेल होने से या दिवालिया घोषित होने से वो एक जो कभी ऊंची दर्जे का व्यक्ति होता था, जिसकी सामाजिक प्रतिष्ठा बहुत ऊंची होती थी, जो आर्थिक स्थिति जिनकी ऊंची होती थी, वो इन सब परिस्थितियों से गुजरकर निम्न स्थिति में आ सकते हैं। इसलिए कहा जाता है कि वर्ग कैसा है, खुला है, कभी भी कोई व्यक्ति एक वर्ग से दूसरे वर्ग में आ जा सकता है। वर्ग की कुछ विशेषताएं ऐसी होती हैं, वस्तुपरक विशेषता जिसको हम कहते हैं, कि उसको देखकर हम अंदाजा लगा लेते हैं, हम अनुभव कर लेते हैं कि ये व्यक्ति किस वर्ग का सदस्य है। जैसे एक वर्ग को पहचानने के लिए दूसरे वर्ग से भिन्न करने के लिए उसकी कुछ विशेषताओं को देखा जाता है। जैसे वो कहाँ रहता है, किस कॉलोनी में रहता है, उसका मकान का प्रकार कैसा है, उसकी सामाजिक प्रतिष्ठा कैसी है, उसका शैक्षिक स्तर कैसा है, उसके आय के साधन क्या हैं, उसके रहन सहन के साधन क्या हैं, उसका बोलने का तरीका आदि। संपन्न लोग हमेशा अच्छे ऊंचे ऊंचे मकानों में रहते हैं, अच्छी कॉलोनियों में निवास करते हैं और उनकी सामाजिक प्रतिष्ठा ऊंची होती है, उन कॉलोनियों की भी सामाजिक प्रतिष्ठा ऊंची होती है, उनकी आय व शिक्षा ऊंची होती है, उनके व्यवहार करने का एक तरीका अलग होता है और निम्न वर्ग के लोग छोटी कच्ची बस्तियों में, झोपड़ियों में रहते हैं, उनके आय के साधन बहुत कम होते हैं और इस प्रकार से उनकी बाह्य विशेषताओं को देखकर हम पहचान हो सकती है या पहचान कर सकते हैं कि ये किस वर्ग का व्यक्ति है। नेक्स्ट है इसमें जन्म का कोई महत्व नहीं है। जैसे जाति में
क्या होता है, जन्म का महत्व होता है कि एक जाति में जब हमने जन्म ले लिया तो वो उच्च है तो हम उच्च रहेंगे और निम्न है तो निम्न रहेंगे, लेकिन इसी तरह से वर्ग में जन्म का कोई महत्व नहीं है। यह आवश्यक नहीं है कि एक व्यक्ति उसी वर्ग का सदस्य होगा जिसमें उसने जन्म लिया है। जन्म अगर उसने निम्न वर्ग में लिया है तो कभी भी वो उच्च वर्ग में जा सकता है, क्योंकि वर्ग जो है हमेशा अपने अर्जित गुणों के आधार पर मिलता है। वर्ग के सदस्य को तय करने में व्यक्ति की शिक्षा, उसकी योग्यता, उसकी संपत्ति, उसकी कार्यकुशलता भी महत्वपूर्ण है। वर्ग जन्म से सदा के लिए जाति की भांति निर्धारण नहीं होता। वर्ग हम जैसे जैसे गुण करेंगे, जैसी शिक्षा अर्जित करेंगे, वैसे ही हमारा सामाजिक स्तर ऊंचा हो जाएगा, हमारा सामाजिक प्रतिष्ठा रहेगी और हम उच्च वर्ग के व्यक्ति हो जाएंगे। कम स्थिरता का मतलब है कि जो वर्ग है वो कभी भी स्थिर नहीं होते। उनकी स्थिरता कुछ समय के लिए होती है या कुछ लंबे समय के लिए होती है, लेकिन स्थिरता वर्ग जन्म की अपेक्षा कम होती है। वर्ग व्यवस्था में कम स्थिरता पाई जाती है, क्योंकि शिक्षा, व्यवसाय, धन, शक्ति आदि इनके जो आधार हैं, उन वर्ग वो नवर्गों का निर्माण करते हैं और ये सब क्या है, परिवर्तनशील है। एक वर्ग को त्याग कर दूसरे वर्ग की सदस्यता ग्रहण की जा सकती है, अतः यह कैसी है, परिवर्तनशील व्यवस्था है। हम जैसे जैसे अर्जित करते जाएंगे हमारा जो वर्ग है वो बदलता जाएगा और वर्ग बदलने में कुछ समय लगता है। जैसे हमने शिक्षा प्राप्त कर ली तो हम अशिक्षित वर्ग से शिक्षित वर्ग में चले गए, हमने धन प्राप्त किया तो हम उच्च वर्ग में चले गए, उससे हमने अधिक हमारी सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ गई, हमारे रहन सहन का स्तर बढ़ गया और हमारा सामाजिक स्तर बढ़ गया, तो हमने क्या किया कि हम एक उच्च वर्ग के सदस्य हो गए। इन सब के बीच में भी एक कुछ उपवर्ग भी होते हैं। जैसे तीन वर्ग मुख्य होते हैं कि उच्च वर्ग, सामान्य वर्ग और निम्न वर्ग, और इन वर्गों में भी कुछ उपवर्ग होते हैं कि प्रत्येक सामाजिक वर्ग में भी कुछ वर्ग, जैसे मध्य वर्ग में भी सभी एक समान नहीं होते, उनमें भी कुछ उच्च और निम्न होते हैं, उच्च वर्ग में भी सभी एक समान नहीं होते और निम्न वर्ग में भी एक समान नहीं होते, इनके भी खंड और उपखंड होते हैं। तो धीरे धीरे पहले खंड से उपखंड में जाता है और उपखंड में से पहुंचकर वो एक वर्ग में चला जाता है। जीवन अवसर, एक समाजशास्त्री है हमारे मैक्स वेबर। मैक्स वेबर का मत है कि प्रत्येक व्यक्ति को या प्रत्येक वर्ग को एक बार जीवन में विशिष्ट अवसर एवं सुविधाएं समान रूप से प्राप्त होती हैं। मतलब हमें अपने वर्ग को बदलने के लिए जीवन में कई बार हमें अवसर प्राप्त होते हैं। अगर उन अवसरों का हम ध्यान से अपने वर्ग को बदलने के लिए अवसरों का उपयोग कर लेते हैं तो हमारा वर्ग, हमें एक बार शिक्षा का अवसर मिलता है, एक आयु पूरी होने पर शिक्षा का अवसर समाप्त हो जाता है और जब हमें शिक्षा नहीं हम प्राप्त करते तो हम जो आय के साधन है वो हमें सिर्फ मजदूरी ही हमारे पास रह जाती है, वही कार्य हम करते हैं जो हम निम्न वर्ग में रह जाते हैं। और अगर जो हमें अवसर प्राप्त हुआ है उस अवसर के साथ ही हम अपने आगे को चलते जाते हैं तो हम अपने वर्गों को जल्दी परिवर्तित कर लेते हैं। शैक्षिक वर्ग से अशिक्षित वर्ग से शिक्षित वर्ग में चले जाते हैं, निम्न वर्ग से उच्च वर्ग में चले जाते हैं और हम एक समाज के एक प्रतिष्ठित व्यक्ति बनते हैं।
नेक्स्ट है आपका पूर्णता अर्जित, मतलब वर्ग जो है वो हमें पूर्ण रूप से हम अपने सब उसके गुणों को अर्जित करते हैं। वर्ग की सदस्यता जाति की भांति कभी भी जन्म से प्राप्त नहीं होती, ना ही जन्म से निर्धारित होती है, वह एक अर्जित है। एक व्यक्ति अपने गुणों के आधार पर शिक्षा प्राप्त करता है, धन में वृद्धि करता है और उच्च वर्ग की सदस्यता ग्रहण कर लेता है। जैसे हमने उच्च शिक्षा प्राप्त की तो हमारे धन में क्या होगी, वृद्धि होगी और उस धन और शिक्षित से हम एक प्रतिष्ठित व्यक्ति समाज में कहलाएंगे और हमारे जो वर्ग है वो उच्च वर्ग हो जाएगा, हम उच्च वर्ग के सदस्य बन जाएंगे। इसी के साथ सामान्य जीवन कि एक वर्ग के लोगों का जीवन जीने का तरीका लगभग समान होता है। जैसे उच्च वर्ग के लोग विशिष्ट वस्तुओं का उपभोग करते हैं, विशेष चीजों का उपभोग करते हैं, चाहे वो यातायात के साधन है, चाहे वो रहन सहन के साधन है या हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति है, खान पान रहन सहन सब चीजें उनकी अन्य वर्गों की अपेक्षा अलग होती है। वो एक सामाजिक प्रतिष्ठित व्यक्ति होते हैं और अपनी प्रतिष्ठा को दिखाने के लिए उसका बहुत बड़ा भाग अपने जीवन का उपभोग करने के लिए उस पर खर्च करते हैं। और उसी समय मध्यम वर्ग के लोग जो होते हैं वो अपनी रूढ़ियों और प्रथाओं के पालन में अधिक विश्वास करते हैं और उन्हीं से वो हमेशा लिपटे रहते हैं। और जो निम्न वर्ग के हैं उनका जीवन तो पूर्णतः अभावग्रस्त होता है, वो किसी भी चीज का उपभोग करने में असमर्थ होते हैं, वो सिर्फ अपनी जो आवश्यक वस्तुएं हैं उनको भी मुश्किल से जुटा पाते हैं, मतलब दो समय का खाना भी उनको मुश्किल से प्राप्त होता है, उनका जीवन पूर्णतः अभावग्रस्त ही होता है। अब है हम जब एक सामाजिक प्राणी हैं, हम एक सामाजिक जीवन व्यतीत कर रहे हैं तो उनमें वर्गों की अनिवार्यता अलग है। कैसे है, वर्गों की अनिवार्यता है, हम किसी न किसी वर्ग के सदस्य अवश्य हैं। सभी व्यक्ति शिक्षा और व्यवसाय धन योग्यता आदि की दृष्टि से समान नहीं होते, अतः व्यक्तियों में पाई जाने वाली इन भिन्नताओं के आधार पर समाज में स्वतः ही वर्गों का निर्धारण हो जाता है, वर्गों का विभाजन हो जाता है, अपने आप वर्ग बन जाते हैं।